तो ये मरना ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। जिंदगी के साथ संघर्ष कीजिए, आज रात है कल सवेरा भी होगा, पक्का पक्का पक्के वाला पक्का सब समस्याएं निकल जाएंगी। तो काशी में तो यदि कोई ऐसे वैसे भी मर जाता है तो मुक्त हो जाता है। अब कथा का अर्थ ये तो है नहीं कि काशी में आत्महत्या होती है वो भी तर जाता है तो अब और कुछ सुने नहीं, ये जरूर सुन ले सब मरने के लिए काशी चल पड़े, ऐसा कभी कोई करना मत। अपने जीवन के साथ में संघर्ष करो, संघर्षी बनो। तो वर्णन किया है वाराणसी समम क्षेत्रम जीवाना मुक्तये मतम। सांडल कहते हैं मेरा मत है जो सालराम को पूजेगा, गोमती चक्र के साथ भगवान सालराम की पूजा करेगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में उसकी मृत्यु हो लेकिन उसको फल है वो काशी में ही मरने का प्राप्त होगा, ऐसा महात्मा सांडल्य बोलेगा। इसलिए घर घर में भगवान शालिग्राम की पूजा, घर घर में तुलसी पूजा, घर घर में गौ माता को रोटी, साहब के घर में शंख हो। गौ अक्षयवर्ती सेवा से जुड़ने वाले लोग या जिन्होंने अभी कार्तिक मास में पूरी सेवा की सबको शंख प्राप्त हो रहा है, लेके जाइए। आप जो भी सहयोग कर रहे हैं गौ माता को, आश्रम से खाली हाथ नहीं, यहां से कुछ कुछ लेके जाते हैं, लेके जाइए सब यहां। और मैं ये कहूंगा कि गौवंश की सेवा जरूर कीजिएगा, यहां जो भी कुछ हो रहा है वो गौ माता की कृपा से ही हो रहा है। दुनिया में बड़े बड़े फार्मा दवाई की बड़ी बड़ी कंपनियां बनी लेकिन यहां तो हाथ का सीधा सा सूत्र और दवाई बना के तैयार की इतना काट कर रही है, इसमें हमारी योग्यता नहीं, इसमें गौ माता की कृपा है। अभी मैंने 1300 किलोमीटर की यात्रा करी, उस दिन मैं पूना में था, सीट से उतरा नहीं, कमर में ऑटोमेटिक पता नहीं मेरी कमर में कभी दर्द नहीं हुआ, मैंने कितने कितनों घंटों कथा करी लेकिन एक ही सीट पर बैठे और इतना लंबा वो सफर हो गया तो सुबह मुझसे खड़ा नहीं होता जा रहा था। 50 मैंने बैठक लगाई, दंड बैठक लगाई लेट करके, वो दर्द कैसे भी बंद ना हो। तो मैंने इस मनीष को बोला कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जो ये सबको दर्द वाली दवाई देते हैं उसमें से मुझे एक चम्मच ला करके दे। मैं भगवान की पवित्र व्यासपीठ पर बैठा हूँ, बिहारी जी का भगत हूँ और आज है बिहार पंचमी और सत्य यही है, एक चम्मच मैंने काढ़ा नहीं बनाया, कौन काढ़ा बनाता, मैंने एक चम्मच मुंह में डाल के गर्म पानी ऊपर से पिया, 10 मिनट बाद ये नहीं पता था कि दर्द कहां चला गया और अभी तक लौट के और नहीं आया। उस दिन से तो खैर मैंने रोज लेना शुरू कर दिया है, उस दिन से मैं रोज ले रहा हूं उसको, एक चम्मच, शरीर में फुर्ती है, बहुत आनंद है, एक चम्मच रोज ले लेता हूं, कभी सुबह ले लेता हूं, कभी शाम को ले लेता हूं, कभी ध्यान में आ जाता है तो दोनों टाइम ले लेता हूं। तो ऐसा ये औषधीय गुण हाथ में लग गया है जिससे आज लोगों को बहुत ही ज्यादा सुख मिल रहा है, आरोग्यता मिल रही है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। ये पेट में गैस नहीं होने देती, ब्लड प्रेशर को ऊपर नहीं होने देती, अनिद्रा, रात को नींद ना आवे उस रोग का भी निपटारा करती है। मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ गठिया के लिए है लेकिन उसके तो बड़े प्रभाव हैं। कुंटलों दवाई भक्तों को रोज बांटी जाती है कथाओं में और यहां सब मिलके एवरेज आता है। तो आप गौवंश को सेवा करते रहिएगा, आश्रम के द्वारा जो ये प्रसाद आरोग्यता संजीवनी जो मिल रही है इसको आप लेते रहिएगा, आनंद होता जाएगा। वैसे आज मैंने बोल दिया है, मेरी 6 महीने की तैयारी में हेयर ऑयल बनकर के तैयार हो गया है और यही लगाइए बिल्कुल आप, आपके बाल तंदुरुस्त होंगे, टूटेंगे नहीं, चाने गंजी नहीं होंगी, 2 मुआ नहीं होंगे और शरीर में भी फोड़ा फुंसी ये सब समाप्त हो जाएंगे।
और मुझे तो यह लगता है कि जिनके सिर के बाल उड़ गए हैं, अभी तो प्रयोग किया जा रहा है, मुझे विश्वास है कि वो भी निकलना शुरू कर देंगे। अब 70 साल में उड़ गए हैं तो 70 साल में तो ना आ पावे, हो सकता है, लेकिन 20, 25, 30, 35 साल तक यदि चांद के सिर के बाल उड़े हैं तो ये एक ऐसा ऑयल बन करके तैयार हो रहा है, फिर अंदर से बालों का निकलना आरंभ होगा, बिल्कुल होगा। इस ऑयल को अपनी नाभि में जरूर डालें, क्योंकि नाभि से बालों का एक बहुत बड़ा तंत्र जुड़ा हुआ है, नजला का, नाक का भी जुड़ा हुआ है नाभि से, नाभि से तो पूरे शरीर का ही तंत्र जुड़ा है। हफ्ते में एक दो बार एक आध बूंद हल्का थोड़ा उसको गर्म करके, वैसे तो इसको हाई पावर के ऊपर इसको गर्म करके ही इसको बनाया गया है, लेकिन जब इसको नाभि में डालते हैं तब हल्का सा उसको कुनकुना करके ही उसे डालिए। सिर में सीधे मालिश कर सकते हैं, हल्का कुनकुना करके भी उसको कर सकते हैं। इसको एक बहुत बड़ी विधि के साथ में इसको बना के तैयार किया गया। यहाँ का जो देसी घी है, भारतीय प्राचीन परंपरा के अनुसार देव के बहुत ज़्यादा आनंद कर रहा है, कमाल कर रहा है। इसको नाक में डालिए, माथे पर लगाइए, आंखों के ऊपर नीचे लगाइए, जैसे आप वैसलीन की डिब्बी रखते हैं, ऐसे इसको हर समय अपने पर्स में डाल करके रखिए। इस समय तुलसी वन आश्रम की गौशाला पहली गौशाला है जहां घी बांटा जा रहा है, और कहीं बांटा जा रहा हो तो फोटो मुझे भेजिएगा। हाँ, यहां से सब हो रहा है, आनंद हो रहा है, कोई ये कमाई का साधन नहीं है, ये तो लोगों की सेवा हो रही है। आप क्या समझ रहे हैं कि यहां से जो गौ माता को सेवा करता है, ऐसी मेरी बहुत माताएं हैं जिनके पास तो किराए को भी पैसा नहीं होता यहाँ आने के लिए, और यहाँ तक आती हैं, पूरा सामान झोली में भर के दे देता हूँ, और ये भी बोल देता हूँ मैया जी किसी को बोलना मत कि बिना गौ माता की सेवा के सामान लेके आइए, ये भी मैं उसे बोल देता हूँ उसको तो। हाँ, ऐसे बहुत आते हैं, नहीं है व्यवस्था तो उनका आशीर्वाद तो ऐसा मिलता है। 4 लोग आएंगे जो कुछ भी गौ माता को नहीं दे पाएंगे, उनके आशीर्वाद से 20 लोग ऐसे आएंगे जो चकाचक गौ माता की सेवा करके जाएंगे। उनकी दुआएं हमारे संग में, उनके आशीर्वाद हमारे संग में है, आप सब लोग जुड़े रहेंगे। इस गौ माता का काम बहुत ऊंचाई को, अभी तो शुरुआत है, आने वाले 2-4 साल में देखिए इस गौशाला का कितना विस्तार होता है, कितना विस्तार होता है। आज के समय में ये बिल्कुल एक श्राप की तरह कैंसर फैल रहा है। मेरा पूरा ध्यान इसी के ऊपर है, मेरी पूरी स्टडी इसके ऊपर चल रही है, कैसे इसके ऊपर विजय प्राप्त की जाएगी, और उसी के लिए कैंसर अस्पताल की स्थापना हो रही है। शुरुआती कदम है, आने वाले 10 साल में तो इतना कुछ हो जाएगा, लोग कहेंगे कि वृंदावन पर इतना बड़ा काम हो गया, ये सब गौ माता की कृपा से हो रहा है, आप सब लोगों के जुड़ने से हो रहा है, ये पूरा श्रेय आप सबके लिए जाता है।